शिलाजीत के बारे में ना लोगों को कम जानकारी है, और होता क्या है कि इतना इसके बारे में दुष्प्रचार हुआ है ना कि लोगों को इसका एक्चुअल गुण। और हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सुबह सुबह एक ऐसी जगह लेकर आ गया हूँ जहाँ मिलता है आपको हर्बल जूस। तो इस हर्बल जूस को पी के बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को आप ठीक रख सकते हैं और हमेशा सेहत में रह सकते हैं, और जो अननेसेसरी हमारे बॉडी में जो बीमारियाँ आती है उसको भी ठीक रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसका लोकेशन जान लेते हैं। तो ये है खेलगांव स्टेडियम के जस्ट बगल में मेन गेट के पास। तो आप चलते हैं हम लोग जूस वाले काउंटर के भैया के पास और जानते हैं कितना प्रकार के उनके पास हर्बल जूस अवेलेबल है। तो ये है जूस वाले भैया, और ये हम लोग अभी बताएंगे क्या क्या किस किस प्रकार के उनके पास जूस है और क्या क्या बीमारियों को ठीक कर सकता है। ये हो गया चिरायता, ये जिनको डायबिटीज़ या ब्लड डिटॉक्स करना है उसके लिए काम करता है। इसके अलावा जिनको भूख नहीं लगने की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसमें ये काम करता है। ये हो गया नीम, नीम पत्ती का जूस है ये, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पिंपल्स होता है या जिनका ब्लड डिटॉक्स करना है वो, उसमें ये भी काम करता है। ये हो गया आपका एसगॉट, जिसको हम लोग सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं, ये आपका लिवर के प्रॉब्लम के लिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या जिनके बॉडी में फाइबर की कमी है, ये उन सब चीज़ों में काम करता है। ये बेसिकली आपका लिवर को क्योर करने का काम करता है, और इसके अलावा हील भी करता है। जो अल्कोहलिक हैं या फैटी लिवर है जिनको, उसमें ये चीज़ काम करता है। ये हो गया ब्राह्मी, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बेंग साग, ये आपका बाइल्स, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, इसके अलावा आपका जिनका लिवर में अल्कोहलिक लिवर है उनका ये प्रॉब्लम को क्योर करता है। ये हो गया आंवला, आंवला आपका आँख के लिए, बाल के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए ये बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है। ये हो गया तुलसी और पुदीना, जिनको ओरल रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे मुंह से बदबू आता है, दुर्गंध आता है, या जिनको पेट में दर्द रहता है, उन सब चीज़ों में ये काम करता है। ये हो गया आपका ब्लैक किशमिश, ये हो गया रोस्टेड तिल, ये हो गया रोस्टेड सनफ्लावर सीड, ये हो गया रोस्टेड पम्पकिन सीड, ये हो गया रोस्टेड आपका फ्लैक्स सीड, जिसको हम लोग तीसी भी बोलते हैं, ये हो गया किशमिश, इधर हो गया ये फूला हुआ मूंगफली है ना, यहाँ पे हम लोग आ गए ये स्प्राउट्स है अंकुरित, ये हम लोग ऐसा लौकी का सूप बनाते हैं जिसको में हम लोग खजूर, ये ओमिक सीड सारा डाल के, ये आपका बेसिकली जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनको वेट लॉस करना है, जिनको किडनी प्योरिफिकेशन है, उसमें ये काम करता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये एक हेल्दी डाइट हो जाता है आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, ये सबसे बढ़िया है। लोग जो यंग जनरेशन के हैं वो लोग इसको बहुत पसंद करें। इनफैक्ट आप समझिए, छोटे बच्चे आते हैं ना, वो लोग को बस ये पता नहीं कि ये लौकी का है, वो लोग बस आते हैं बोलते हैं अंकल जी सूप पीना, हम लोग पिला के भेजते हैं। उनके फादर लोग कहते हैं आके कि भैया घर में लौकी देखना पसंद नहीं करता, बट आपके पास देखिए कितना चाव से आके पीता है। इधर हम लोग आ गए, ये है शिलाजीत। देखिए शिलाजीत के बारे में ना लोगों को कम जानकारी है, और होता क्या है कि इतना इसके बारे में दुष्प्रचार हुआ है ना कि लोगों को इसका एक्चुअल गुण और एक्चुअल क्या क्या इसमें सप्लीमेंट के रूप में फ़ायदा देता है शरीर को, ये लोगों को पता ही नहीं है। शिलाजीत का एक्चुअल काम क्या है ना कि आपके इंटरनल जितने भी ऑर्गन है ना वो सबको वो रिपेयर करने का काम करता है। आप ऐसे समझिए कि शिलाजीत आपके बॉडी में विटामिन के, जो सबसे रेयरेस्ट विटामिन है, जो आपको सामान्य किसी भी चीज़ में नहीं मिलता, वो आपको शिलाजीत में मिलता है। और ये जिनको थकान बहुत रहता है, जिनका स्टेमिना लेवल बहुत डाउन रहता है, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, या जिनका थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का समस्या है, ब्रह्मचर्य नहीं टिक पाता है, उन सब चीज़ों में शिलाजीत आपका काम करता है। ये सीडलेस खजूर हो गया, जो हम लोग स्प्राउट्स में या फिर आप जो सूप लेते हैं उसमें मिला के देते हैं। ये है अश्वगंधा, सतावर, मुसली, कौंच और गोपचूरा का डस्ट। ये हो गया आपका हनी, और ये हो गया आपका खजूर का गुड़। हम लोग इस्तेमाल नमक भी करते हैं ना, तो ये देखिए पिंक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं, ये पिंक सॉल्ट हो गया। ये चाट मसाला भी हम लोग का स्वयं का बनाया हुआ है। ये हरे बहेरा आंवला, जिनको गैस, जिसको हम लोग त्रिफला भी बोलते हैं, तीन चूर्णों का मिश्रण। ये हो गया रोस्टेड अजवाइन, जो गैस के लिए काम करता है। ये हो गया आपका लौंग, गोल मिर्च, दालचीनी, मुलेठी, ये है आपका जिनको कफ या जिनको टार, छाती में जो स्मोकिंग वाला हैबिट्स जिनको है, उनका लंग्स को क्योर करने का काम वो करता है। और ये जो लास्ट जस्ट बचा हुआ है, ये है डायबिटीज़ के लिए, जिसमें आपका जामुन बीज, इंद्रजौ, कुटकी, पनीर फूल, मेथी दाना, गिलोय, चिरायता, ये सारा चीज़ पीस के डाला हुआ है। ये डायबिटीज़ के लिए हम लोग देते हैं। ये हम लोगों ने अपने काउंटर से रिलेटेड सारा चीज़ का बोर्ड लगा रखा है, जिसमें आप सारी चीज़ के बारे में, हमारे पास जितने जितने जूसेस हैं उन सब के बारे में हम लोग ब्रीफली, उसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप अपने से भी अगर आके कोई चीज़ के बारे में पढ़कर अपने से चाहते हैं तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। हम लोगों का ये काम ऑल ओवर रांची में करीबन चार जगह पर हम लोगों का आउटलेट है। एक खेलगांव हो गया, एक आपका खेलगांव सोसाइटी के अंदर हो गया, एक आपका हरमू हो गया, और एक चुटिया हो गया, ये जगह। बाकी अभी हम लोगों का देखा है कि बहुत से लोग इस काम में अपना हाथ लगा रहे हैं,
तो लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाएं और वहाँ उनसे उनका फूड प्रोसेसिंग लाइसेंस जरूर मांगें कि आप जो बना रहे हैं उसका हमको लाइसेंस दें। ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोगों का प्रोसेसिंग यूनिट का लाइसेंस है। FSSI लाइसेंस का मतलब ये होगा कि आप कोई भी खाद्य सामग्री बेच सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग वाला जो FSSI का जो है वो ये है कि आप कोई भी खाद्य सामग्री आप बेच सकते हैं, बट ये जो लाइसेंस नंबर है इससे कि आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर कहीं भी जाएं तो थोड़ा उससे अवश्य ये दो चीज़ों का उनसे मांग लें कि आपके पास ये तो बेचने का लाइसेंस है बहुत अच्छी बात है, बट प्रोसेसिंग लाइसेंस है कि नहीं, कि आप वो फूड प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं, ये आप अवश्य, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के देखा देखी में बहुत से लोग बहुत से जगहों पर ये चीज़ का टाइप का आके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि जरूर सतर्क रहें, जागरूक रहें और देख के ही चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब देखिए ये जो आप लोग पी रहे हैं ये है, इसको हम लोग मिक्स एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। हाँ जी, इसमें तुलसी, पुदीना, सौंफ, केसर, मिश्री, लेमन और हल्का सा कच्चे आम का फ्लेवर रहता है। और ये हम लोग के काउंटर का वन ऑफ द टेस्टीएस्ट आइटम में से एक है, आप ज़रूर टेस्ट करके बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्या चीज़ से ये, मतलब क्या चीज़ में काम करता है ये? ये आपका जैसे आप बहुत थकान होके आए हैं, बहुत खेल के आए हैं, आप हराश्ड हैं, आपको तुरंत एनर्जी लेवल को अपना रिकवर करना है, तो आप इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। मज़ा आ गया। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग सेकंड चीज़ ट्राई कर रहे हैं, अब इसके बारे में भैया बताएंगे। भैया क्या है बताइए थोड़ा। ये बेसिकली आप लोग लौकी का सूप, कद्दू जो गोल वाला देखते होंगे ना, लंबा वाला नहीं, गोल वाला लौकी का आप लोग सूप पी रहे हैं। इसमें आपका स्प्राउट्स चना मूंग के रूप में, मूंगफली, खजूर, हल्का सा पिंक सॉल्ट, हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा लेमन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती के साथ में आप लोगों को सर्व किया गया है। अब इसका पहले आप लोग स्वाद बताएं, तब इसका मैं बेनिफिट बताऊंगा। ये बेसिकली आप लोगों के लिए वेट लॉस करने में, बेली फैट के लिए, किडनी प्योरीफिकेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों हम लोग स्वात्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सुंदर जानकारी इन्होंने दिया। तो इनका जो खेलगांव का काउंटर है वो आपको आरएबी अर्बन दूध सेंटर के नाम से है। तो चलिए स्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि ऐसे हम लोगों की सेवा करते रहिए और लोगों को दूर रखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।